शर्मा को एक शानदार कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के पूर्व महान विस्फोटक बल्लेबाज सनत जयसूर्य पहले मुकाबले में मिली अपनी टीम की हार को पचा नहीं पाए और टीम इंडिया को लेकर कुछ ऐसी बातें कर दी जिसको आप सुनकर सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा क्या कहते जयसूर्य ने वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब से टीम इंडिया की बागडोर रोहित शर्मा के हाथों में आई है तब से भारतीय टीम एक एक करके जीत के झंडे गाड़ रही है। रोहित ने सर्वकालिक तौर पर भारतीय टीम की कार्यभार संभालते हुए पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला में टीम इंडिया को 3-0 से जीत दिलाई, तो वहीं इसके बाद T20 श्रृंखला में भी कैरिबियाई टीम को पूरा सफाया कर दिया। वहीं श्रीलंका के खिलाफ पहले मुकाबले में भी जीत दर्ज करके टीम इंडिया ने यह दिखा दिया है कि उन्हें उनके घर पर हराना कोई आसान काम नहीं है। बता दें कि पहले मुकाबले में रोहित की अगुवाई वाली टीम ने श्रीलंका को 60 रनों के विशाल अंतर से हराते हुए एक करारी मात दी है और पहले मुकाबले में मिली इस हार को श्रीलंकाई दिग्गज बल्लेबाज सनत जयसूर्य पचा नहीं पाए हैं और टीम इंडिया को लेकर उन्होंने एक बेहद सनसनीखेज बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, जयसूर्य ने अपना बयान देते हुए कहा कि हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया से सफर करके आ रही है और कोरोना से इस समय में इतना दूर ट्रैवल करके आना और पहले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करना कोई आसान काम नहीं है, नहीं तो टीम इंडिया के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे खिलाड़ियों को रोक सके। भले ही पूरी दुनिया में भारतीय टीम की चर्चा होती है, लेकिन हमारी टीम बेस्ट है और जिस तरीके से हमारे लड़कों ने पिछले कुछ समय में अपना खेल दिखाया उसको देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि पहले T20 में उसके बाद टेस्ट में भी हमारे लड़के भारत फतेह करके ही स्वदेश लौटेंगे। हमारी टीम को कमजोर आंकना किसी भी टीम के लिए घातक साबित हो सकता है और जिस तरीके से भारतीय टीम पहला मुकाबला जीतकर घमंड में है, उनका घमंड जल्दी टूटने वाला है। दोस्तों, जिस तरीके से जयसूर्य ने टीम इंडिया को लेकर बयान दिया है उसके बाद से तो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज और भी ज्यादा हाई वोल्टेज हो गई है, जिसमें जीत के लिए दोनों ही टीमों के खिलाड़ी पूरा जोर लगाते हुए नजर आएंगे और ऐसे रोमांचक मुकाबले को कोई भी भारतीय प्रशंसक छोड़ना नहीं चाहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है जयसूर्य को जवाब देते हुए रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में जीत पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।